अरे सुन मैं भोंदू, क्या सीन है इस बंदे वाले का? इस बार तो पटाखे भी बैन है ना, अपन वो गैंग वाली फसल कर सकते हैं। अबे तू चुप कर चीपड़ी, फटाके फोड़ेगी, अरे माल फूकेंगे, दारू पियेंगे और फुल ऑन ऐश करेंगे यार। इस बार तो दिवाली पे ना मस्ती पेलेंगे, लॉकडाउन ने पूरे दिमाग की भुर्जी बना के रखी है। मैं तो लॉकडाउन की पूरी भड़ास दिवाली पर निकालूंगा, अबे पी पी कर पागल हो जाऊंगा मैं तो। बस कर बेवड़े, उतावला मत हो अभी से, लड़ो मत यार। तो फिर कौन दे रहा है दिवाली की पार्टी इस बार? बेटा पार्टी तो तू ही देगी इस बार, वैसे ही बहुत पैसा ना तेरे बाप के पास, तो कम तो तेरे बाप के पास भी नहीं है। हाँ तो मैं कर लूंगा अपने बाप पापा से बात, मना तो मेरा बाप भी नहीं करेगा। ओ पाजी मेरी गाल सुनो, ओ पहले मेरी गाल सुनो तुसी, इस बारी कोविड के कारण एक आइटम नहीं बिकी है, आपका सारा का सारा माल ना गोडाउन में पड़ा है, बिल्कुल वैसा का वैसा अनटच्ड। और तुसी थोड़ा सब्र करो, जी भी मार्केट खुल जाएगी ना, मैं आपकी पाई टू पाई चुका दूंगा जी। मैं क्या करूं सर, और माल बिकेगा तो मैं पेमेंट दूंगा ना, आप ले जाओ अपना माल वापस ले जाओ जी। चलो एक गल सुनो मेरी, मैनू तुसी थोड़ी जी मोहलत दो, और जिवें ही यार अपना खुल जाएगी ना मार्केट, मैं तुहाडी पाई तो पाई दे दूंगा यार। ओ गल ते सुन लो यार, मन लो कदे कदे मन लिया करो, और ठीक है पाजी थोड़ी जी मोहलत दो। चंगा पाजी चंगा। सुनो जी दिवाली आने वाली है और बच्चों की भी हमेशा की तरह फरमाइशें रेडी हैं, और भी बहुत घर के खर्चे हैं। ओ यार ओ इस बार तो दिवाला निकला हुआ है, ओ इस साल तो कम से कम खर्चे करने की कोशिश करो। तो दिवाली पे बच्चों को क्या जवाब दोगे फिर? मैं तो नहीं फेस कर सकती, तुम ही जवाब देना। हाँ हाँ दे दूंगा, हमेशा से मैं ही देता आया हूँ बच्चों को जवाब, और तू कुछ मत करियो। छोड़ो जी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और छड्डो जी छड्डो, बात भी मत करो ते दिमाग दी दही भी मत करो। तुम छड्डो फुर यहाँ से, फुर ते फुर, फुर तुम फुर, चल 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 चल, बहुत देख लिए। हाँ तो मैं कर दूंगा अपने बाप पापा से बात। सूतिया भाई, अब बंडी बबली बाहर निकलो, सूतिया भाई है यार, सूतिया भाई। पैसे कब दे रहे हैं? सूतिया भाई आपको तो पता है एक महीने से कोरोना चल रहा था। कोरोना सूतिया भाई क्या? अरे चूतिया भाई। चूतिया नहीं, सूतिया नाम है, सूतिया जी। आप ही ने तो बताया था सूतिया भाई, सूतिया भाई यही थे जिन्होंने पैसे दिए थे अपन को, सूतिया भाई। देखिए सूतिया भाई, आपके पैसे हम धीरे धीरे लौटा देंगे। कब लौटाओगे? दिवाली भी आने वाली है। दिवाली सूतिया भाई के? भाई हम आपके थोड़े दिन में पैसे लौटा देंगे। 15 दिन में पैसे चाहिए मुझे। ठीक है भाई लौटा देंगे। 15 दिन लास्ट। ठीक है भाई लौटा देंगे। चलो। एक तो तुम्हारे बबलू की ख्वाहिशें और फिर ये चूतिया भाई। चूतिया नहीं सूतिया। हाँ हाँ भाई सूतिया भाई, क्या होगा इस दिवाली का? पैसे की कोई कमी नहीं है। माफ करना दोस्तों, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, शायद आप लोग भी मुझे नहीं जानते, लेकिन कुछ बात मैं अभी आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। इस बार दिवाली का जो त्योहार आने वाला है उसको लेके बहुत सारी प्लानिंग्स आप लोगों ने की। इन भाई की जो प्लानिंग थी बड़ी जबरदस्त थी, दारू पी पी के पागल होने वाले हैं ये, गांजा पीने वाले हैं, चरस पीने वाले हैं, और आपने तो पूरे बाप के पैसे को निकालने लगाने का बढ़िया। Thank you.
मम्मी पापा मुझे आपसे गल करनी है। आज मुझे बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे आपको सॉरी बोलना है कि मैंने आपके पैसे की कदर नहीं करी और हमेशा उसको उड़ानी की और उसकी कीमत नहीं समझी और मेरी कभी ये आँख नहीं खुली थी कि माँ बाप का पैसा कितना ज़रूरी होता है और कितनी मेहनत का होता है और इस कोरोना की वजह से आप लोग किससे गुजर रहे थे मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और मुझे आपसे एक वादा करना है कि मैं हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, इस देश के लिए चाहे आप दोनों के लिए जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। एंड जो पैसे मैं उड़ाने वाली थी, सच बोलूँ तो जिसकी मुझे कदर नहीं थी, उससे मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लाई हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मा पापा, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ दिनों से बिगड़ गया था, गलत संगत के अंदर चला गया था, अपने दोस्तों के साथ गलत शौक करने लग गया था, पर मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया पापा मम्मी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि आपका बिजनेस कोरोना के वजह से बिल्कुल ठप पड़ा है और मैं अबकी बार आप दोनों के लिए दिवाली का गिफ्ट भी लेकर के आया हूँ, वो मैं अपने खुद के सेविंग्स से। मम्मी मम्मी देख रही हो बबलू की मम्मी, हम लोग अपनी अलग ही चिंता में थे पर आज लग रहा है इसको देखकर हमारा बेटा वाकई बड़ा हो गया। हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया। मैं ना कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई तुम लोगों का प्यार देख के तो ये चूतिया सूतिया भी सुधर गया। तुम लोगों का सारा कर्जा माफ। तुम अपनी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाओ। दिवाली इस देश का बहुत बड़ा त्योहार है, इसको पूरे परिवार के साथ मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाभी जी, खुश रहे बेटा।